वन होम मेड टेस्टी बाइट में आज हम बनाएंगे गाजर गोभी का खट्टा मीठा और चटपटा अचार, जिसको आप बनाकर 2 से 3 महीने तक आराम से खा सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 1 किलो गाजर और 1 किलो गोभी, जिसे मैंने अच्छे से धोकर साफ करके छील कर, ये देखिए छोटे छोटे पीसेस में ऐसे कट कर लिया है। और साथ ही हम लेंगे सरसों का तेल 1 कटोरी, 5 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 4 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 कप मैंने गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और 1/2 कप सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरके में हम गुड़ को भिगो कर रख देंगे। और 3 चम्मच यहाँ ले रही हूँ जीरा, 3 चम्मच सफ़ेद नमक और 2.5 चम्मच के करीब ले रही हूँ पिसी हुई सरसों या राई भी ले सकते हैं, 1 चम्मच देगी मिर्च, 1 चम्मच नॉर्मल मिर्च, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 5 लौंग और 10 से 12 काली मिर्च। तो आइए चलिए गरम मसाला, जो खड़े मसाले थे, इनको रोस्ट कर लेते हैं ताकि इनकी नमी भी निकल जाए और रोस्ट करने से अचार का टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आएगा। और हल्का सा जैसे ये कलर चेंज करने लगेंगे हम गैस को बंद कर देंगे, मीडियम फ्लेम पर ही भुने आप इन्हें। अब इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। अब तेल गर्म कर लेते हैं पैन में। तेल को हम पहले खौला लेंगे अच्छी तरह और फिर मीडियम आंच पर दोबारा से हल्का गर्म करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और उसको अच्छे से पकाएंगे। और जैसे ही लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी तरह पकने लगेगा, इसमें ऐड कर देंगे सरसों का पाउडर, यहाँ आप राई का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद डालेंगे हमने जो गरम मसाला भून कर तैयार किया था पीस कर, उसको ऐड करेंगे और मसाले को यहाँ बहुत ही अच्छी तरह पका लेंगे। लाल मिर्च ऐड करेंगे और देगी मिर्च भी इसमें ऐड कर लेंगे। मसाले बहुत ही जल्दी पक के तैयार हो जाते हैं। और जैसे ये मसाला हमारा पकेगा, इसमें ऐड करेंगे हम विनेगर में भीगा हुआ गुड़। और गुड़ डालने के बाद हम इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह मीडियम फ्लेम में पकाएंगे ताकि गुड़ भी घुल जाए और जो विनेगर की स्मेल है वो भी निकल जाएगी, क्योंकि विनेगर जब पकेगा उबल के तो इसकी स्मेल कम हो जाएगी। साथ ही नमक ऐड कर लेंगे, नमक थोड़ा ज़्यादा डालेंगे ताकि अचार खराब ना हो, आप काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें अपने सारे गाजर गोभी कटे हुए ऐड कर देंगे, आप चाहें तो यहाँ शलगम भी डाल सकते हैं। और इस सभी को अच्छे से मिलाते हुए मसाले को ऐड करेंगे। इसे हमें बहुत देर तक पकाना नहीं है, जैसे ही सारे को मसाले को हम ऊपर नीचे करके मिला लेंगे तुरंत हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम गैस को कर देंगे बंद और हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, मैंने हल्दी यूज़ नहीं की है इसमें। और ये देखिए ठंडा हो चुका है पूरी तरह से। अब इसको हम जार में भर लेंगे। आप इसे एयर टाइट जार में भर कर रखिए और आप इसको अगले दिन से ही खाना शुरू कर सकते हैं। इसको बहुत दिन तक रखने की ज़रूरत नहीं होती कि इसको हमें धूप में नहीं रखना, नॉर्मल भी रख के खा सकते हैं। और जो इसमें नीचे देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, इसमें जो नीचे हमारा रस्सा है उसको हम ऊपर नीचे हिलाते रहें तो इसका टेस्ट और भी बढ़िया आएगा। आप एयर टाइट जार में इसे बंद करके रख लीजिए और 2 से 3 महीने तक आप आराम से खा सकते हैं। तो आप बनाइएगा, खाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपका अचार कैसा बनकर तैयार हुआ है। और अगर आपको मेरी रेसिपी आज की पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।